दोस्तों, टुडे टॉपिक, आज का टॉपिक है हमारा कि बड़ी सफलता कैसे हासिल करें। नेटवर्क मार्केटिंग में या सेल्स शॉप में आने का हर इंसान का सपना होता है कि वो बड़ी सफलता कैसे हासिल करें। बड़ी सफलता का डेफिनेशन का मतलब ये होता है कि वो सेल्स शॉप में आने के बाद वो चाहता है कि एक टॉप पोजिशन पे जावे। टॉप पोजिशन का मतलब हर इंसान इस बिजनेस प्लान में जब आता है तो ड्रीम ऑफ लाइफ होता है उसका। वो चाहता है ये सारे उसके सपने हो, क्योंकि आदमी नौकरी छोड़ के, घर छोड़ के और बहुत दमदारी से मेहनत करता है यहाँ पर। और मैं देखता हूँ जब वो शुरुआत में आता है तो अपनी फेस वैल्यू से 20 लोगों की टीम बना देता है, 4,500-5,000 रुपए का चेक भी बना लेता है, लेकिन फिर वो आगे नहीं बढ़ पाता। ज्यादातर लोग फिर वहां के बाद टीम नहीं बना पाते, जो बना लाते हैं, जिनकी टीम बन जाती है उनकी चलती नहीं है, जिनकी चलती है उनकी टिकती नहीं है, जिनकी टिकती है उनकी बनती नहीं है। और ये कहीं ना कहीं चैलेंज आते हैं। ये चैलेंज क्यों आते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। हम सारे लोग यहाँ पर किसी के यहाँ नौकरी करने नहीं आए, हम सारे लोग आए हैं कि हमारी जो ड्रीम ऑफ लाइफ है, बढ़िया कार हो गए, बढ़िया घर हो गए, आप भी खुद जानते हो और लोगों को भी आप जब प्लान देते होंगे तो आप ये बताते होंगे, हैप्पी फैमिली हो हमारी, बढ़िया खुद का घर हो, किराए के घर में ना रहे हम, हमको खूब सारा अवार्ड रिवार्ड मिले, देश विदेश की यात्राएं मिले, हमारे बच्चे जिस तरीके के, महागुरु जी का एक ही बेटा है और 5.5 साल लंदन में उन्होंने पढ़ाया, पावर ऑफ सेव, सपना था महागुरु जी का कि हम अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दें। तो आज जितने भी आप ये ड्रीम ऑफ लाइफ देख रहे हो, आज ये कहीं ना कहीं हमारे ग्रेट मेंटर के पास में है, ना कि सिर्फ उनके पास में बल्कि उनकी टीम में लाखों लोग ऐसे हैं जो इस तरीके का सपना पूरा कर रहे हैं। तो दोस्तों, सपना तो है हम सबका, लेकिन इसमें कुछ ही परसेंटेज लोग हैं जो इनको पूरा कर पाते हैं। वाय, और हम इसके बारे में आज जानने वाले हैं, पूरी तरीके से सीखने वाले हैं। हमें समझना पड़ेगा आज कि एक्चुअली ये बिजनेस चलता कैसे है, ये बिजनेस है क्या, ये बिजनेस किस तरीके से बनता है, और एक एक चीज के बारे में हम आज बहुत अच्छे से जानने वाले हैं। हालांकि कई लोग इसमें, ऐसा नहीं कि नहीं जानते होंगे, जानते होंगे आप, फिर भी एक रिमाइंडर है मेरी तरफ से, अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर कई हमारे नए साथी हैं तो शायद उनको ये जानने का मौका मिलेगा कि मैं इस बिजनेस में एज ए फ्रेशर और फिर मैंने इतना बड़ा बिजनेस कैसे बनाया। आज कहीं ना कहीं बिजनेस जो भी बना है, इस बिजनेस को मैंने सीखा, समझा, जाना। दोस्तों, ये मेरे चेक है, आप देख पा रहे होंगे, मैं थोड़ा बड़ा सा करता हूँ चेक तो आपको दिखाई देंगे। ये अभी के चेक है कुछ, ये देखिए, और ये कहीं ना कहीं ये हर व्यक्ति का सपना होता है। यहाँ पर फूल माला तो मिलती है, लेकिन फूल माला के साथ एक जो आप सपना लेके आते हो कि हर वीक आपके अकाउंट में 2 लाख से ज्यादा का ट्रांजेक्शन आवे, तो ये कहीं ना कहीं आपका, मेरा कहने का मतलब इस तरीके से जो ट्रांजेक्शन है वो हर वीक होना चाहिए। आप देखिए, फरवरी के मेरे ट्रांजेक्शन है 2,21,000, 2,15,000, 2,38,000, 2,13,000, 2,16,000, 2,18,000, 2,15,000, 2,14,000, इस तरीके की चेक हिस्ट्री आप भी चाहते हो कि आपके अकाउंट में भी आवे और बढ़िया शानदार तरीके से आप भी आगे बढ़ना चाहते हो, फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हो। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग इज ए गेम है रिजेक्शन। जो नेटवर्क मार्केटिंग गेम है, जो मैंने 12 सालों में समझा है ना, ये रिजेक्शन का गेम है। आदमी एक बड़ा सपना लेके आता है, उसको लगता है कि यहाँ पर आने के बाद एकदम टीम बन जाएगी, जिसको भी मैं दिखाऊंगा प्लान वो सब ज्वाइन कर लेंगे, सारे लोग मेरी हमें हाँ मिलाएंगे, मेरे रिश्तेदार हमें हाँ मिलाएंगे, मेरे पड़ोसी हमें हाँ मिलाएंगे और एकदम बड़ी टीम बन जाएगी। ये एक मजाक सा लगता है अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो। नेटवर्क मार्केटिंग जो गेम है वो पूरा का पूरा रिजेक्शन का गेम है। मतलब डर गए तो मर गए। यहाँ पर अगर आप डर गए, किस बात से? रिजेक्शन से। क्योंकि ये इंडस्ट्री पूरी की पूरी नहीं बल्कि दुनिया में, पूरी दुनिया में 98% आप कोई भी काम शुरुआत करोगे तो 98% आपको रिजेक्शन आने वाले हैं। और पूरा गेम, पूरी दुनिया रिजेक्शन से भरी पड़ी है। कुछ ही काम है, 2% ऐसे काम है जिनमें रिजेक्शन शायद ना हो, बल्कि दुनिया में ये बात हमको अपने खोपड़े में आज घुसेड़ लेनी है अगर हम बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं। और ये बात जब मैं पहली बार महागुरु जी के साथ दिशा में गया तो उन्होंने मुझे इन चीजों के बारे में बताया, समझा, जाना
कि पूरी दुनिया में जो गेम है, मतलब पूरी दुनिया में साथ साथ नेटवर्क मार्केटिंग भी और सेल्स शॉप भी इसी दुनिया में आती है, ये कोई दुनिया से बाहर नहीं है। और पूरी दुनिया में आप चाहे पान की दुकान लगाओ, आप कोई भी काम करो, शुरुआती दौर में आपका जो काम है, आपका जो दौर है, वो रिजेक्शन से भरा हुआ होने वाला है। और कहीं ना कहीं अगर आप इसे सीख लेते हो क्या रिजेक्शन को हैंडल करना, तो आप जो 98% जो लॉस हो है, उसे आप प्रॉफिट में बदल सकते हो। ये मैंने जाना है। मतलब क्या, जैसे हमारे बिजनेस में रिजेक्शन, मतलब कब आता है रिजेक्शन? रिजेक्शन घर में बैठे रहोगे तब नहीं आएगा, रिजेक्शन बीबी के पल्लू में छुपे रहोगे तब नहीं आएगा, आप जब बाहर निकलोगे टीम बनाने के लिए तो रिजेक्शन आएगा। रिजेक्शन उनको नहीं आता जो घर में बैठे हुए हैं, जो कुछ कर नहीं रहे। रिजेक्शन उस लीडर को आने वाला है जो प्लान फोल्डर उठा के, लैपटॉप उठा के, जो मास्क लगा के, सैनिटाइजर लेके, जो वार की दुनिया में जाने वाला है प्लान दिखाने के लिए, अपनी टीम बनाने वाला। मतलब नंबर एक, सबसे पहले रिजेक्शन कब आएगा? जब आप टीम बनाने जाओगे फील्ड पर, तब आपको रिजेक्शन आएगा। जैसे ही आप प्लान दिखाओगे, आप रिजेक्शन आ जाएगा तुरंत, मेरे पास पैसा नहीं है जी। अब एक लीडर इसको हैंडल कर लेता है, एक लीडर साहब इसको हैंडल नहीं कर पाता। एक लीडर ने इसको सीखा हुआ है कि अगर कोई मेरे से अगर इस तरीके का रिजेक्शन देता है, एक बंदा 10 किलोमीटर चल के गया, उसने पेट्रोल खर्च किया, बढ़िया प्लान दिखाया, टाई लगाई, बढ़िया उसने सूट पहना, लेकिन जैसे ही उसने प्लान दिखाने के बाद उससे पूछा, हमारा प्लान कैसा लगा, अच्छा या बहुत अच्छा, तो तुरंत सामने वाले ने बोल दिया, प्लान आपका बहुत अच्छा है जी, पर मैं अभी ज्वाइन नहीं कर सकता, मेरे पास पैसा नहीं है। अब एक लीडर इसको हैंडल कर लेगा, जो हैंडल कर लेगा उसका मनी, एनर्जी और समय प्रॉफिट में बदल जाएगा। एक लीडर इसको हैंडल नहीं कर पाएगा, उसका मनी, एनर्जी और समय लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर पूरे दिन अगर उसने 10 प्लान दिखाए और उसने इस क्वेश्चन को हैंडल नहीं कर पाया, तो आप देखोगे पूरा दिन उसका लॉस में चला गया। और ऐसे लोग हमारे बिजनेस में कर्जे में चले जाते हैं, ऐसे लोग हमारे बिजनेस में नौकरी छोड़ देते हैं, इस सपना लेके कि हम डायमंड बनेंगे, पर उन्होंने ये सीखा नहीं है, इसको पढ़ा नहीं है, उन्होंने इस रिजेक्शन को हैंडल करना नहीं सीखा, शायद उनको पता नहीं है। तो दोस्तों, इस तरीके का जब टीम बनाने जाओगे तो ये रिजेक्शन आने वाला है। इस बात को विकास ने आज से 12 साल पहले अपने खोपड़े में इधर 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 पेस्ट कर लिया था, और मुझे पता था कि मुझे इसका आंसर बहुत अच्छे से सीखना पड़ेगा। प्लान दिखाने जाओगे, जैसे टीम बनाने के लिए आप फील्ड पे जाओगे, रिजेक्शन आ जाएगा, मेरे पास समय नहीं है जी। आपने प्लान दिखा दिया, आपने बढ़िया मतलब अच्छे से प्लान दिखाया, आपके प्लान में कमी नहीं है, आपके ड्रेस कोड में कमी नहीं है, आप समय से वहां पर 15 मिनट पहले पहुंचे, बट सामने वाले का काम है रिजेक्शन देना। हैंडल कर लेंगे तो आप टीम बना डालेंगे, नहीं कर पाएंगे तो आप कभी टीम नहीं बना पाएंगे। और ये एक साइंस है, ये एक लर्निंग है, इसको सीखना पड़ता है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है जी। अरे जी हमें ऐसा क्यों बोल दिया? नहीं नहीं ये हमको ही नहीं, इस बिजनेस में सेफ शॉप के अंदर कोई भी लेजेंड साहब उठा लो, जिसने भी लाखों की टीम बनाई है या डायमंड बना है या टारगेट जीता है, सबको इस तरीके के रिजेक्शन मिलते हैं। मैं सोच के बताऊंगा, मुझसे नहीं हो पाएगा जी, अगले महीने करूंगा। ये कब आएंगे? जब आप टीम बनाने के लिए बाहर निकलोगे तब ये रिजेक्शन आएंगे। इस बात को हमको समझना है और इनको हैंडल करना, इनके आंसर देना अगर हम सीख लेते हैं तो तेजी से टीम बनती है। दोस्तों मैं 1000 दिन में डायमंड बन गया था, जानकारी के लिए जो हमारे नए साथी हैं इनको बता देता, पावर ऑफ सिस्टम। हमने सिस्टम को पढ़ा, हमने किताबों को पढ़ा, हमने प्रगति सूत्र को पढ़ा, हमने उसमें कई सारे क्वेश्चंस थे जो हमारे ग्रेट मेंटर मौरी नरसिंह ग्रेवाल जी ने अपने अनुभव से, उसमें हर चीज का अपना अनुभव शेयर किया हुआ है। तो जब हमने सीखा जाना तो हमने इनको हैंडल करना शुरू किया। फिर मैं 10 प्लान देता था ना, तो 10 के 10 लोग ज्वाइन करते थे। वो जमाना चला गया, पता नहीं किसने बनाया 80 और 20 का रूल। 80-20 का रूल वीक लोगों के लिए है,
दमदार लोग 10 को प्लान देते हैं, 25 विनिंग लेके आते हैं। और दोस्तों 21वीं शताब्दी है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, 80-20 का रूल भूल जाइए। 80-20 का रूल वाला अभी काम नहीं, अभी तो ये हौसला ये जज्बा लेके काम करना है, क्योंकि हमारी कंपनी हमारा सिस्टम इतना अपग्रेड हो चुका है कि हर आदमी इसमें आना चाहता है। तो दोस्तों ये है टीम बनाने वाले रिजेक्शंस, कहानी खत्म नहीं हुई, अभी तो सिर्फ टीम बनी है, अभी टीम टिकी नहीं है। उसके बाद टीम बनाने के बाद मैंने कई लोगों को देखा है, शोले पिक्चर में एक डायलॉग है, आहा मैं हूं अंग्रेजों के जमाने का जेलर, आधे लेफ्ट आधे राइट, बाकी के मेरे पीछे, पीछे मुड़के देखता तो कोई है ही नहीं। उसकी 500 की टीम है, 50 की टीम है, 1000 की टीम है, 5000 की टीम है, लेकिन जब उसको बोला जाता है आपके पास लीटर कितने हैं, पीछे मुड़के देखता है तो अकेला ही मीटिंग में बैठा है भाई साहब। तो ये अकेले का काम नहीं है, अकेले के काम से तो हजारी का चेक आएगा ना, पावर ऑफ टीम वर्क से लाखों में चेक बनेगा। वो कब होगा, जब आपकी टीम टिकेगी। अभी टीम बनाई है सिर्फ आपने, टिकी थोड़ी नहीं है। अब जब आप टीम को, क्यों नहीं टिकी, क्योंकि टीम को टिकाने वाले रिजेक्शंस जो है वो अलग होते हैं। अब जैसे ही आप टीम बनाने के लिए जाओगे, तो टीम बनाने के बाद जब आप लोगों को बोलोगे ट्रेनिंग में आना है, वो बोलेगा मैं नहीं आ सकता। अब एक लीडर इस रिजेक्शन को हैंडल कर लेता है, वो हर हालत में उसको टीम को मैं बुला के रहेगा, क्योंकि नया लीडर है। अब दिशा चल रही है, BBS हो रहा है, आप उसको बुलाओगे, फ्राइडे की ट्रेनिंग चल रही है, संडे का वेन्यू चल रहा है। लीडर जब ट्रेनिंग में आएगा ही नहीं, जब वो नॉलेज लेगा ही नहीं, पढ़ेगा ही नहीं, तो टीम में टिकेगा कैसे भाई। लेकिन एक लीडर इसको हैंडल कर लेता है, उसका फॉलोअप करके उसको समझाता है, बताता है, नहीं मानता है तो उसको उठा लाता है, क्योंकि वो जानता है, वो जानता है कि टीम में एक्टिव लीडर तभी होंगे जब लोग ट्रेनिंग में आएंगे। आज इस पैनल पे कई लोग ऐसे हैं जो रात से जिन्होंने बहुत मेहनत करी होगी आज की ट्रेनिंग के लिए, भाई कल ज्वाइन करना है, भाई कल ज्वाइन करना है। और एक लीडर ऐसा बैठा होगा, इसके बहुत सारे लीडर यहां बैठे होंगे, लेकिन एक लीडर अभी अभी चारपाई पे लेटा लेटा रजाई में आराम से ईयरफोन लगा के सुन रहा है, अकेला ही है। और उसकी टीम हो सकता है वो गोल्ड हो, प्लेटिनम हो, पर्ल हो, लेकिन उसकी टीम में कोई नहीं है। क्यों? आईडी पे तो टीम बनी पर टिकी नहीं, लीडर टिके नहीं। क्यों? क्योंकि मैं ट्रेनिंग में नहीं आ सकता, ये बोलने का काम है हमारे नए लीडर का, लेकिन हमारा काम है उसके रिजेक्शंस को हैंडल करना और उसको ट्रेनिंग में लेके आना। ये पहला रिजेक्शंस देते हैं कौन लोग, जो हमारी टीम के लीडर होते हैं। सीखना पड़ेगा, मैं टूल्स अभी नहीं ले सकता। जैसे ही आप बोलोगे भैया टूल्स ले लो, प्रगति सूत्र लेनी है, फोल्डर लेना है, ड्रीम बुक लेनी है, ले लो, अरे अभी कैसे ले लें, ये कैसे ले लें, वो कैसे ले लें। अगर टीम, अगर हमारे बच्चे हम स्कूल भेजते हैं, अगर हम उनको सब्जेक्ट के हिसाब से किताब नहीं देंगे, बुक नहीं देंगे, तो पढ़ेंगे कैसे? या न्यूज पेपर पढ़ के लोग डायमंड बनते हैं, या टीवी देख के डायमंड बनते हैं, या सोशल मीडिया पे मतलब सुन के डायमंड बनते हैं? हम अपने बच्चों को सोशल मीडिया पे पढ़ने के लिए नहीं भेजते, हम अपने बच्चों को फेसबुक पे नहीं भेजते जानकारी के लिए, हम अपने बच्चों को एक सही स्कूल में भेजते हैं, और स्कूल में भेजने के बाद बाकी किताबों को हम देते हैं। अब हम SSS हमारा स्कूल है, हमारी एजुकेशन सिस्टम है, तो हमें टूल्स होने चाहिए। अब एक लीडर अपनी टीम में टूल्स भरपूर देता है, FIM करेगा टूल्स देगा, FIM करेगा टूल्स देगा। अरे कम से कम अगर हमने 100 लोगों को टूल्स दिए और उसमें से अगर 40 लोगों ने भी प्रगति सूत्र पढ़ ली, तो वो समझ जाएंगे लॉस और बॉस का क्या मतलब है, वो समझ जाएंगे कि कैसे आंसर देना है, वो समझ जाएंगे 8-step ट्रेनिंग किसे कहते हैं, वो समझ जाएंगे को ट्रेनिंग किसे कहते हैं, वो पूरा निचोड़ समझ जाएंगे, क्योंकि हमारी गीता बाइबल कुरान जो भी कुछ है वो प्रगति सूत्र है और हमें पढ़ना चाहिए। तो मैं टूल सभी नहीं ले सकता। अब एक लीडर जैसे ये बोलता है, अरे ठीक है भाई मत लो कोई बात नहीं, लेकिन एक लीडर उसको समझाता है, चॉकलेट देता है, कोलगेट देता है, सब कुछ देगा, मोटिवेट करेगा, समझाएगा, क्योंकि वो जानता है टीम में टूल्स जाएगा तो नेटवर्क हमारा पढ़ेगा लिखेगा बनेगा नवाब, खेलेगा कूदेगा बनेगा गमार। तो एक नेटवर्क पढ़ा लिखा नेटवर्क होता है, तो टीम तब टिकेगी जब लोग
नेटवर्क में पढ़ाई लिखाई करेंगे। कई लोगों की टीम बहुत बड़ी बन जाती है, ऐसे कई लीडर आपने देखे होंगे जो सेफ शॉप को छोड़ के भाग गए। क्यों भाग गए? ऐसा नहीं उन्होंने टीम नहीं बनाई, टीम ने बनाई है, लेकिन उन्होंने टीम बनाने के बाद कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे कि टीम टिके। उन्होंने सेल भेजी, चेक उठाया, सेल भेजी, चेक अंदर, सेल भेजी, चेक अंदर, सेक मिली, चेक अंदर, लेकिन उसमें से एक चेक अगर ट्रेनिंग और टूल्स में लगा देता तो शायद टीम में डुप्लीकेशन हो जाता। मंकी सी मंकी डू, बंदर जैसा देखता है वैसा ही करता है, और हम कहीं ना कहीं बंदरों की वंशज हैं। हमारी टीम वैसा ही करने वाली है जैसा हम करके दिखाने वाले हैं। इस रिजेक्शन को हैंडल करना है। इतनी दूर नहीं जाऊंगा, अब एक बंदा कहीं बैठा है, ट्रेनिंग हो रही है साहब गोवा में, ट्रेनिंग हो रही है बेंगलोर में, ट्रेनिंग हो रही है कहीं और, तो अब हम उसको बोलते हैं ट्रेनिंग में चलना है। अरे मैं कैसे इतनी दूर जाऊंगा, घर कैसे छोड़ूंगा, ये है वो है फलाना है ढिकना है। एक लीडर इस बात को हैंडल कर लेता है, एक लीडर हैंडल नहीं कर पाता। उसने सीखा है कि किस तरीके से लोगों को प्रमोट किया जाता है, प्रमोशन किया जाता है, प्रमोशन की पावर उसने जानी है। उसने सीखा हुआ है कि आलू को चिप्स बनाकर कैसे बेचना है, उसने सीखा हुआ है। प्रमोशन का मतलब होता है कि एक आलू अगर दे दो हमको तो मैं उसको चिप्स बना के बेचूंगा, मतलब 5 रुपए में हमने आलू खरीदा और उसको मैं 50 रुपए में कैसे बेचूंगा, इसको कहते हैं प्रमोशन। हमारे बिजनेस में भी आपको हर चीज का प्रमोशन करना आना चाहिए। प्रमोशन करना आएगा तभी आप लोगों को घर से बाहर निकाल पाएंगे, तभी आप उनको दूर की ट्रेनिंग में भेज पाएंगे। वरना आप कहें 99% लीडर लोकल की ट्रेनिंग ले लेके उनको कभी बड़ा विजन नहीं मिलेगा, पूरे भारत में आपका बिजनेस नहीं बनेगा। पूरे भारत में आपका बिजनेस अगर बनाने का ख्वाब लेके आए हो तो आप चाहते हो कि हर जगह आपकी टीम बने, वो तब बनेगी जब लोग पूरे हिंदुस्तान में, हमारे मेंटर कहीं भी अगर ट्रेनिंग रखते हैं तो वहां पर लोगों को लेके जाके भर देना है। प्रमोशन का मतलब गिनती नहीं, भर दो। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये रिजेक्शन कब आने वाला है, जब आप अपने लीडरों से बातचीत करोगे, और बातचीत करोगे तो ये रिजेक्शन आएंगे। अगर हैंडल कर लिया तो टीम टिकेगी, हैंडल नहीं कर पाया तो आया राम गया राम, आने का दरवाजा भी खुला है और जाने का दरवाजा भी सब खुला रहेगा। और कभी बड़ी टीम नहीं बनेगी, कभी आप बड़ा पैसा नहीं बना पाएंगे। आपकी रिकॉग्निशन तो बन जाएगी, क्योंकि रिकॉग्निशन जो बनती है वो टीम के आधार पर बनती है, और आपका जो चेक बनता है वो आपके एक्टिव लीडर्स कितने हैं और कितना बिजनेस वॉल्यूम वो भेजते हैं उस आधार पर बनता है। तो रिकॉग्निशन से और आपका जो चेक उससे कोई लेना देना है ही नहीं। कई लोग ऐसा दिमाग में रखते हैं कि मेरी रिकॉग्निशन हो गई चेक परमानेंट, ऐसा कुछ नहीं है, कहीं लिखा हुआ नहीं है दोस्तों। आपकी सिक्योरिटी मतलब टीम की वजह से, टीम बनेगी टिकेगी तो आपकी सिक्योरिटी है। मैं जिम्मेदारी अभी नहीं ले सकता, जैसे हम बोलेंगे टाइगर साहब ऐसा करो आज की फ्राइडे की ट्रेनिंग आपको चलानी है, आपको प्लान देना है, आपको फॉलोअप करना है। जब तक हम प्लान दे रहे थे तब तक वो बढ़िया मोटरसाइकिल पे बैठ के जा रहा था, लेकिन जैसे ही हमने बोला जिम्मेदारी लो प्लान दिखाओ, अरे मैं कैसे दे सकता हूँ महा गुरु जी, मेरे को तो अभी आता ही नहीं है, ये है वो है। तो हमें ये रिजेक्शन को, अगर हम ये कुछ और भी रिजेक्शन रहते हैं, लेकिन जब आप टीम बनाने के बाद जब आप अपने लीडरों को कॉल करोगे, उनको समझाओगे, उनकी काउंसलिंग करोगे, उनसे मिलोगे, आपका लेवल चाहे कुछ भी हो, आपको सीखना पड़ेगा कि टीम को टिकाने के लिए इन रिजेक्शंस को हैंडल कैसे करना है। लास्ट में मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि रिजेक्शंस को हैंडल आसानी से कैसे आप करें। अब टीम टिक गई, अब अगला रिजेक्शन आता है कि टीम टिकने के बाद कहीं की चलती नहीं है, वो सिल्वर का सिल्वर ही बना रह गया। हर ट्रेनिंग में उसके लीडर दिखते हैं पर टीम चल नहीं रही, ना उसका चेक बढ़ता है, ना उसकी भाई साहब की रिकॉग्निशन चेंज हो रही है। वाई? क्योंकि टीम बना भी ली, लीडरों को वो इकट्ठा करके बैठा भी रहता है, हरे राम हरे कृष्णा कीर्तन करता रहता है, लेकिन टीम चलती नहीं है। अगर टीम चलती क्यों नहीं है? क्योंकि टीम को चलाने वाले रिजेक्शंस अलग होते हैं, और ये हमें सीखना पड़ेगा। आप टीम को चलाने वाले रिजेक्शंस क्या है? जैसे ही आप टीम के लीडरों को काम करने के लिए बोलोगे,
अब टीम में टिकी तो पड़ी है, लेकिन आप उनको बोलोगे फील्ड पे जाके ये करना है वो करना, मतलब उनको आप टास्क दोगे, आप उनको टारगेट्स दोगे, तो सबसे पहले एक बात का ध्यान रखना है, मैं घर नहीं छोड़ सकता, नौकरी नहीं छोड़ सकता। अब आपका लीडर, क्योंकि भाई घर में रहके तो बिजनेस नहीं होगा, अभी कोरोना चल रहा है, हमारी टीम में एक सिल्वर लेडी है, उसका चेक इस हफ्ते का साहब 28,927 रुपए का बना, लेकिन कई ऐसे और भी लीडर होंगे जिनके पास बहुत बड़ी रिकॉग्निशन होगी, वो बहाना मार देंगे, अरे जी आप तो देख ही रहे हो कितना कोरोना है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, कोरोना तो है, डॉक्टर जो है हॉस्पिटल में जा रहा है, इंजीनियर ऑफिस में जा रहा है, पुलिस वाला ट्रैफिक पे खड़ा हुआ है, फौज में नौकरी करने वाला बॉर्डर पे खड़ा हुआ है, हर आदमी भैया घर से बाहर निकल के काम कर रहा है। हाँ कहीं लॉकडाउन है तो बात अलग है, लेकिन दोस्तों ये गलत फहमी दूर कर दो, हमारे देश के प्रधानमंत्री इस लॉकडाउन के पीरियड में जा जाके जहां चुनाव है 10-10 रैलियां कर रहे हैं, जो की है उन्होंने, कई बार मीडिया ने उनकी आलोचना करी है कि पूरी दुनिया में कोरोना है और ये आदमी क्या कर रहा है, लेकिन उन्होंने मास्क लगा लगा के काम किया। सुरक्षा करिए, काम बंद मत करिए, कई लोग तो काम बंद कर देते हैं, अरे भैया अगर आपने काम बंद कर दिया तो आपकी सुरक्षा कहाँ रही, आप तो फाइनेंशियली मतलब बहुत ज्यादा वीक हो जाएंगे। तो जब हम लीडरों को बोलते हैं मैं घर नहीं छोड़ सकता, ऐसे रिजेक्शन आएंगे, मैं नौकरी नहीं छोड़ सकता, शुरुआत में जब हमने लोगों से बातचीत करना शुरू किया कि भैया आप ऐसा करो, यहाँ लोकल में काम नहीं चलेगा, आप घर छोड़ दो, घर छोड़ के कहीं रूम ले लो, एक नया शहर बिल्ड करो, तो लोग बोलेंगे नहीं नहीं मैं अभी घर कैसे छोड़ सकता हूँ, हैंडल करना है, कैसे हैंडल करेंगे बताएंगे, ये रिजेक्शन आएगा, एक आदमी इसको हैंडल कर लेता है, एक लीडर इसको हैंडल कर लेगा, एक लीडर हैंडल नहीं कर पाया। पहले मुझे इस तरह से क्यों बोला मैं बिजनेस नहीं कर पाऊंगा, जब आप टीम में काम करने के लिए जाओगे, लीडरों से बातचीत करोगे, तो बार बार आपको धमकी और चेतावनी ये डाउनलाइन से मिलती है, जब आप बोलोगे 2000 बिजनेस वॉल्यूम ने आपने टारगेट लिया था क्यों नहीं निकाला, तो नाराज हो जाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा बिजनेस, आपने ऐसे कैसे बोला, वैसे कैसे बोला। लेकिन एक लीडर पढ़ाई लिखाई करता है, एक लीडर किताबों को पढ़ता है, ट्रेनिंग सुनता है, अपलायंस से बात करता है, उसको पता है इसको कैसे हैंडल करना है। थ्री कार्डियन रूल तोड़ना शुरू कर देंगे लोग टीम में, टीम चलेगी, बिजनेस वॉल्यूम भी आएगा, लेकिन अगर आपने इसको हैंडल नहीं किया, टीम क्यों नहीं चलती है, इसीलिए नहीं चलती है, लोग घर नहीं छोड़ते हैं, लोग बार बार मुंह फुला लेते हैं, थ्री कार्डियन रूल तोड़ रहे हैं लोग, आरोप लगेंगे, चुगलियां होंगी, राजनीति होगी, लोग भागेंगे। भैया 98% रिजेक्शन है बिजनेस में, हैंडल करना सीखना पड़ेगा। डॉक्टर कभी ये नहीं बोलता कि नहीं नहीं इतना बीमार क्यों, मैं ठीक नहीं करूंगा, आई एम एक्सपर्ट। एक्सपर्ट जो होते हैं वो समस्याओं का समाधान करना जानते हैं, इसीलिए एक्सपर्ट है वो लोग। तो जब आप टीम को बनाओगे, टीम को टिकाओगे, टीम को चलाओगे, और अगर हर तरीके के रिजेक्शन को हैंडल करना सीखते हो, पहचानना बहुत मुश्किल होगा मेरे दोस्त कौन वफादार साथी है आपका, कभी भी कोई भी छोड़ के जा सकता है। ऐसा नहीं हमारी टीम से छोड़ के नहीं गए, जब महागुरु जी इतने बड़े लेवल पे उनकी टीम से छोड़ के नहीं गए, लेकिन हम सब ने सीखा हुआ है। मैंने बोला ना ये बिजनेस कोई भी चमत्कार नहीं है, सफल होना कोई भी चमत्कार नहीं है, एक साइंस है, आप इसको सीख सकते हो, आप इसे समझ सकते हो। तो दोस्तों जब आप ये तीनों तरीके से, मैंने टीम बनाई भी, मैंने टीम को बनाना सीखा, टिकाना सीखा और चलाना सीखा, और इन सारे चीजों को मैंने बहुत बारीकी से सीखा, और मेरे मेंटर ने मुझे सिखाया यूज थ्री टी। आप चाहते हो कि आप इन तीनों को बहुत अच्छे से हैंडल करो, तो अपनी टीम में यूज थ्री टी, सबसे पहले टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग और टूल्स। जितना ज्यादा टेक्नोलॉजी का मतलब, अभी हम जूम यूज कर रहे हैं, लॉकडाउन है तो जूम यूज करो, किसने मना किया भाई, आप यूज करिए ना टेक्नोलॉजी को। हमको जूम आता नहीं महागुरु जी, वो आध घंटे वाला है,
आध घंटे वाला है भैया, उसको अपग्रेड कर लो ना। आप लीडर हो, करोड़ों रुपए कमाना चाहते हो, इतनी बड़ी टीम बनाने का ख्वाब लेके आए हो, तो टेक्नोलॉजी को यूज करो, ट्रेनिंग को यूज करो। हमारे अपलायन कोई ना कोई वीकली ट्रेनिंग करते होंगे, आपके अपलायन भी वीकली ट्रेनिंग करते होंगे, बाहर ट्रेनिंग भी करते हैं, फिजिकली भी ट्रेनिंग करते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रेनिंग चलती रहती है। टूल्स अगर आप 3T का यूज करेंगे तो जितने भी हमने आपको बताए हैं, टीम बनाने वाले, टीम को टिकाने वाले और टीम को चलाने वाले रिजेक्शंस, हर रिजेक्शंस को आप हैंडल कर लेंगे और आप देखोगे बहुत बड़ा पैसा भी बनाओगे और बहुत बड़ा नाम भी बनाओगे। तो यूज 3T, टेक्नोलॉजी को शानदार यूज करना सीखें, कोई बहाना नहीं। अगर आप बहुत बड़ा काम करने आए तो जूम को अपग्रेड करो बढ़िया शानदार तरीके से कम हर सिल्वर एंड अबव के पास 100 से ज्यादा का कम से कम जूम का पैनल होना चाहिए। अब करना है या नहीं करना है ये लीडर के ऊपर है। एक लीडर आज की बात मान के अपग्रेड कर लेगा। ट्रेनिंग हर वीक, अगर आप आज इस सदी में काम कर रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करें, ना कि फेसबुक पे ना कि यूट्यूब पे, अपनी टीम के लिए ऑर्गेनाइज करें पहले, बाद में जो है चौधरी बन लेना भाई। फेसबुक पे यूट्यूब पे जाके ट्रेनिंग दो की टीम नहीं है और वो हो यूट्यूब और फेसबुक पे ट्रेनिंग चला रहा है। अरे भाई टीम के लिए ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करो। अगर आप लॉकडाउन नहीं है तो मास्क लगा के लोगों के लिए जा के ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करो। FIM गुर मीटिंग कोर ट्रेनिंग, चार चार लोगों को बिठाल के ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करो और ज्यादा से ज्यादा टूल्स प्रमोट करो। ये 3T यूज करेंगे आप तो ये जो आपने पीछे जो भी रिजेक्शंस देखे हैं ये अपने आप हैंडल होते चले जाएंगे। इनको हैंडल करने की आपको जरूरत नहीं है। जब लोग ट्रेनिंग में आएंगे, टूल्स यूज करेंगे, पढ़ाई लिखाई करेंगे तो लोग अपने आप हर प्रॉब्लम का खुद ही समाधान निकालते हैं। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग में फाइनेंशियल और टाइम फ्रीडम मिलता है, क्योंकि अगर आप इन चीजों को यूज करोगे तो लोग खुद ही सीखना और निर्णय लेना सीख जाते हैं। जब आपकी टीम में सेल्फ लर्निंग और सेल्फ डिसीजन मेकर लोग जब बनना स्टार्ट हो जाते हैं तो आपकी ग्रोथ और आपकी सक्सेस में चार चांद लगते हैं दोस्तों। तो यूज 3T यूज करना शुरू करिए। मैं बहुत यूज करता हूं, आप देखेंगे तो मेरे जितने भी डायमंड्स हैं सबके पास मिनिमम 500 से ज्यादा का पैनल है। हर दिन वो ऑफलाइन और ऑनलाइन ट्रेनिंग यूज करेंगे करेंगे और मैं पक्का पूछता हूं जबरदस्त। मैं सोता नहीं हूं क्योंकि दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि आज अगर करोड़ों रुपए कमाता हूं तो मुझे पता है कि मेरी जिम्मेदारियां क्या हैं और उसके बाद जबरदस्त टूल्स प्रमोशन करता हूं। हर महीने बुक ऑफ द मंथ मैं रखता हूं, आप भी रख सकते हैं। अभी हम जो बुक पढ़ रहे हैं वो बुक पढ़ रहे हैं चिंता छोड़ो सुख से जियो, आप भी अमेज़न से मंगा सकते हो और उस बुक को पढ़ सकते हो। मैं भी पहले बुक नहीं पढ़ता था लेकिन मैं अपने ग्रेट मेंटर नरसिंहवल माघुर जी को देखता था, उनके बैग में कुछ मिले ना मिले पर एक चीज पक्का मिलती थी उनके हाथ में, बैग में हाथ में बुक। जब भी मैं रेलवे स्टेशन पे या एयरपोर्ट पे उनके पास मिलने के लिए जाता था तो पक्का माघुर जी के हाथ में बुक होती थी। और ध्यान रखिए मंकी सी मंकी डू, बंदर जैसा करता है, आने वाली पीढ़ी भी उसका देख के वैसा ही करने वाली है। तो हम सब अपलाइन है, अगर आज इस पैनल पे हैं आप तो आप अपलाइन हैं और आप एक डाउनलाइन भी हैं। तो अपलाइन की जिम्मेदारी होती है कि वो हर चीज को सबसे पहले करे, हर सही चीज को सबसे पहले करे। तो मेरा कहने का मतलब है दोस्तों, जब आप करेंगे तो आपकी टीम आपको कॉपी मारेगी और कारमा बहुत बड़ा हो जाएगा। डायमंड बनना कोई मुश्किल काम नहीं है, क्राउन एम्बेसडर बनना कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं अभी आता आपको 10 चुटकुले सुनाता, 10 कहानी सुनाता, मैं बहुत इधर उधर की बातें करता, ये हो जाएगा जैसे यूट्यूब पे लोग करते हैं। लेकिन दोस्तों दिस इज ए प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल चीजें बहुत आसान होती है, इफेक्टिव होती है अगर कोई समझ ले तो। और अगर हमें समझ में आ जाए कि किस तरीके से ये सारी चीजें हैंडल करनी है और 3T को आप जबरदस्त तरीके से यूज करो, आप ऐसे लोगों की लिस्ट बनाओ अपनी टीम में जो टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं,
जो ट्रेनिंग में आते हैं और ट्रेनिंग को ऑर्गेनाइज करते हैं, और टूल्स कितने लोग लेते हैं हर महीने, चेक करो, आपको पता चल जाएगा कि मेरी कितनी औकात है, है ना? या हम ही सिर्फ सहनसा बन के घूम रहे हैं? हमारे पास ही पैनल है, हमारे लीडरों के पास भी रिकॉग्निशन के हिसाब से पैनल होना चाहिए, कम से कम सिल्वर से लेके टोपाज तक कम से कम 100 का होना चाहिए, टोपाज से ऊपर वालों का 300 का होना चाहिए, और उनसे ऊपर वालों का 500 से ऊपर का पैनल होना ही चाहिए आज की डेट में। ये डिमांड है, ये हमारे बिजनेस की डिमांड है। लॉकडाउन कभी भी लग सकता है, आदत बनानी पड़ेगी हमें। हम ये सोच रहे हैं नहीं साहब लॉकडाउन बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा तब काम करेंगे, नहीं 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 नहीं, गलत फहमी के शिकार हो जाएंगे आप। लॉकडाउन होना अब पूरी दुनिया की कहीं ना कहीं एक ऐसा, जब संडे की छुट्टी रहती है ना, ऐसे कभी भी संडे की छुट्टी कर सकते हैं हमारी सरकार गवर्नमेंट लॉकडाउन का नाम लेके। तो ध्यान रखिएगा, टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग टूल्स यूज करेंगे तो ये आप इसको हैंडल कर पाएंगे जो हमने पीछे रिजेक्शन आपको बताए हैं। अगला, हर रिजेक्शन को आसान समाधान एक ही है, वो क्या है? आप हर हाल में सिस्टम के साथ बने रहो, 100% साहब जीत आपकी होगी। सारी बातों को अगर मैं एक अगर लाइन में बोलूं, हर हाल में आप अपनी एक्टिव अपलाइन के साथ बने रहिए, चाहे आपका चेक डाउन जा रहा है, बिजनेस डाउन जा रहा है, अपने अपलाइन जो आपका सफल अपलाइन है, सफल अपलाइन का मतलब जो सिस्टम की एक्टिविटियों की जिम्मेदारी लेके उनको फील्ड पे जाके करता हो, वो है आपका सफल अपलाइन। एक अपलाइन ऐसा होता है जो कभी आपको एक्टिविटी करते हुए नजर नहीं आएगा, एक अपलाइन ऐसा होता है जो एक्टिविटियां ऑर्गेनाइज करता है, जिम्मेदारी लेके वो सिस्टम की एक्टिविटी करता है और करवाता भी है, वो है सफल अपलाइन। उस अपलाइन के टच में बने रहो और उस पर भरोसा रखो, सिस्टम के टच में रहो। अप डाउन आना ये हमारे बिजनेस की नहीं, हमारे जिंदगी का एक मतलब कहेंगे पार्ट ऑफ लाइफ है, पार्ट ऑफ सक्सेस है। आज आपका चेक डाउन हो सकता है, आज आपका बिजनेस नहीं चल रहा होगा, लेकिन आप सिस्टम से जुड़े रहेंगे तो आप देखेंगे एक दिन बहुत बड़ा बिजनेस बनेगा। आप सब मेरे बारे में जानते हैं, मैं अपनी टेस्टमनी देने में समय खराब नहीं करूंगा, आप सब जानते हैं, लाखों वीडियो है मेरे यूट्यूब पे। तो मेरा कहने का मतलब ये है, मैं सिंपल भाषा में मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, हमारे ग्रेट मेंटर पैनल पर बैठे हुए हैं और छोटे में बड़ी बात नहीं करूंगा, क्योंकि उनके सामने अगर मैं हूं तो सोचो कि ये बहुत बड़ी बात है कि मैं इतना बोल पा रहा हूं, मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं उनके सामने मैं ट्रेनिंग दे पाऊं। लेकिन आज उन्होंने जिम्मेदारी दी है तो ये सिंपल और कुछ ऐसी बातें हमने आज शेयर करी हैं जो मैंने उन्हीं से सीखी हैं। और हर रिजेक्शन को आप आसान तरीके से समाधान यही है कि कभी भी कोई चैलेंज आवे, कभी भी कोई प्रॉब्लम आवे, तो www.activeupline.com पे सीधा कॉल लगा दो, बस वो आपको बताएंगे क्या करना है। आपको कोई भी चैलेंज आवे, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, कोई भी चैलेंज, बस एक ही समाधान, अपने सफल अपलाइन को कॉल लगाओ और वो जो बोले बस उस पर भरोसा कर लो, दिमाग मत लगाओ, क्योंकि दिमाग लगाने से हम ज्यादा बड़ा काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन सिस्टम को यूज करने से, अपलाइन के साथ में रहने से हम बड़ा काम कर पाएंगे दोस्तों। और मुझे ऐसा लगता है कि आज कहीं ना कहीं ये हजारों लोग जो इस पैनल पर बैठे हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि आप सारे लोग बहुत बड़ा बिजनेस बनाएंगे, बहुत बड़ा काम करेंगे, और आज आपने ये सीखा, समझा, इसको अमल करके बहुत बड़ा बिजनेस बना के एक दिन आएगा कि आपकी आईडी पर भी हर हफ्ते 2-2 लाख से ज्यादा का चेक होगा और आपकी आईडी पे शो होगा क्राउन एम्बेसडर। दोस्तों एक चीज और मैं जाते जाते बता रहा हूं, अपनी टीम के अंदर मिशन 1000 बिजनेस वॉल्यूम आवर इनकम लैग। देखो हमारी दो लैगें होती हैं, एक लैग ऐसी होती है जहां से हमें भरपूर सम्मान मिलता है जिसको हम पावर लैग कहते हैं, एक लैग होती है जहां से हमको इनकम मिलती है, मतलब जहां से हमारा चेक बनता है। तो दोस्तों अगले 5 मिनट में ये स्लाइड अगर आपने समझ ली तो आप पूरा भारत बिल्ड कर दोगे। पावर ऑफ बन सेल, आज मैंने लाखों की टीम बनाई है, पूरे भारत में बिजनेस बनाया है,
आज मेरी टीम का साइज 13 लाख से ज्यादा का 13 लाख है मेरा टीम का साइज। आज मेरी टीम में कई सारे डायमंड्स हैं, वीनस हैं, मरकरी हैं, क्राउन्स हैं और क्राउन एम्बेसडर भी हैं। ये पावर ऑफ बंसेल, ये भेजे में हमें आज की डेट में ये पेस्ट कर लेना है हर जगह से। आज मेरा बिजनेस पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी है, शुरुआत एक सेल से ही होती है। कई लीडर, अरे जी मैं अभी वहां पे कैसे जाऊं, अभी तो एक ही सेल आई है साहब, एक ही सेल आई थी विकास की, एक ही सेल आई थी चेन्नई से, एक ही सेल आई थी बेंगलोर से, एक ही सेल आई थी हैदराबाद से, एक ही सेल आई थी गुवाहाटी से, एक ही सेल आसाम से, एक ही सेल आई थी गुजरात से, एक ही सेल आई थी यूपी से, एक ही सेल आई थी ग्रेटर नोएडा से, एक ही सेल आई थी गोरखपुर से, पूर्वांचल से, महाराष्ट्र से, हर जगह से एक ही सेल आई। फिर ऐसा क्या हुआ कि एक सेल से ही लाखों की टीम बन गई। और ये बहुत ही सटीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझनी है हमको। आप एक सेल से अपनी इनकम लैग में 1000 बिजनेस वॉल्यूम निकाल सकते हो, एक ही सेल से आप 10,000 बिजनेस वॉल्यूम निकाल सकते हो। लेकिन कैसे, जैसे ही मैं क्या करता हूं या क्या करता था, या मैं अपने लीडरों को क्या सिखाता हूं, क्या मैंने सीखा, पावर ऑफ वन सेल। अभी तक आपने बहुत कुछ सीखा होगा, आज एक चीज और सीख लें। और ये सीख मेरे को माउरी नरसिंहराल माउरी जी ने सिखाया था एक दिन, पावर ऑफ वन सेल। क्या होता है वन सेल? सबसे पहले सेल आई, अगर हमने उसकी लिस्ट बनवा दी तो वो सेल कन्वर्ट हो जाएगी लिस्ट में। सबसे पहले हमें सेल को किसमें कन्वर्ट करना है? सेल लिस्ट में कन्वर्ट करना है। जैसे दूध को हम दही में कन्वर्ट कर सकते हैं, घी में कन्वर्ट कर सकते हैं, छाछ में कन्वर्ट कर सकते हैं, रसगुल्ले में कन्वर्ट कर सकते हैं, खोआ में कन्वर्ट कर सकते हैं, वैसे ही सेल को कन्वर्ट करना है। दूध को बेचेंगे तो 50 रुपए लीटर बिकेगा, कन्वर्ट कर दिया घी में तो वो 1,000 में भी बिकेगा। इसी तरीके से अगर हम सेल को कन्वर्ट कर देते हैं तो हमको बहुत बड़ा प्रॉफिट मिलता है। कब कन्वर्ट करेंगे? लिस्ट में कन्वर्ट कर दीजिए हमने सेल। लिस्ट में कन्वर्ट करने के बाद साफ प्लान दिखाओ जोश के साथ, चुल्लू मुल्लू की तरह नहीं, एकदम जोश के साथ। जोश का मतलब चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए, सामने वाले को दिखना चाहिए यार दुनिया का सबसे मतलब हैप्पीनेस रखने वाला इंसान मेरे सामने बैठा है। जोश के साथ प्लान दिखाओ साहब, लिस्ट बना के जोश के साथ जब प्लान दिखाओगे ना, तो उस 100 की लिस्ट में से आप देखोगे कि कम से कम जो एक सेल थी वहां से 30-40 सेल निकल आएगी। सिस्टम से जोड़ो उनको। अब साहब प्लान तो दिखा दिया हमने, लोग आ भी, सिस्टम से जोड़ दें। सिस्टम से जोड़ने का मतलब संडे का मेन्यू, फ्राइडे की ट्रेनिंग को लोगों से जोड़े, चेक पर उनके फोकस करें। अगर उन्होंने 1,000 रुपए का चेक बनाया है फिर उनको बोले चलो 5,000 रुपए का चेक बनवाते हैं आपका, चेक पे फोकस करें। देखो एक सेल है ये, जिम्मेदारी दें, टीम को एक्टिविटी में डालें, हर 3 महीने में सफल अपलायन से एकांत में मिलाएं जिसको हम काउंसलिंग कहते हैं, और कंपनी सिस्टम एंट्रीशिप को उसके सामने आइडेंटिफाई करते रहें। वो एक सेल जो विकास की आई थी, मेरा अपलायन ट्रेंड था, उस एक सेल को आज क्राउन एम्बेसडर तक पहुंचाया, पावर ऑफ वन सेल। आपकी टीम में हर दिन एक सेल आती होगी, अगर किसी लीडर की हफ्ते में एक सेल आती है ना तो बहुत बड़ा बिजनेस बना सकता है मेरे दोस्त। लेकिन अगर वो इस तरीके से सीखेगा, स्टेप बाय स्टेप उस एक सेल के साथ इस तरीके से काम करें, और ये एक दिन का काम नहीं है, इस चैनल को फॉलो करने में आपको समय लगेगा, 1 महीने का 6 महीने का 1 साल का 2 साल का। और मिशन 1000 बिजनेस वॉल्यूम अवर इनकम लैग का मिशन चलाइए। 1000 बिजनेस वॉल्यूम का मतलब होता है सर 5 सेल, और 5 सेल अगर निकालते हो तो आपके इनकम लैग में अगर आप डालते हो तो सर 5,000 रुपए का चेक बनता है, महीने का 20,000 हो गया। 20,000 रुपए इस लॉकडाउन में बहुत बड़ी इनकम है सर, और आप कर सकते हो पावर ऑफ वन सेल। तो पूरा मीटर खींच दीजिए, एंड थैंक यू वेरी मच, आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और थैंक यू वेरी मच महागुरु जी, आपने बात करने का मौका दिया, हमारे जितने भी डायमंड क्लब यहाँ पे बैठा।